आज मेरे मन शितवान है जी बिस्मिल रहमान रहीम इब्तदा है रब जलील की बबरकत नाम से दिलों के भेद खुल जाता है। देखती हूँ कौन सुनते तब मेरी तरफ से भी तहाशा दुआ सुनो। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहे आबाद रहे और सुकून की ज़िंदगी बसर कर रहे हूँ। आमीन सुम आमीन। ढेर सारी दुआओं के साथ थर्ड इफ्तार स्टार्ट करते हैं। आज रमजान के तीसरा दिन है और मैं इफ्तारी बना रही हूँ और साथ वीडियो भी बना रही हूँ। तो बात कुछ इस तरह है कि आप रमज़ान का महीना है, अच्छा महीना है, अच्छा अच्छा सोचा करें और दूसरों को भी अच्छा सोचने की तलकीन किया करें। और सबसे ज़्यादा है कि सब्र की तलकीन किया करें। जब नमाज़ पढ़ते हैं तो अल्लाह पाक से सब्र, हिम्मत, बर्दाश्त, हौसला, यानी कि जैसे जो अल्फाज हैं सब मांगा करें। तो ऐसे भी मांगा करें, ज़रूरी रमज़ान में मांगे आप, यकीन करें आप अल्लाह पाक आपको वो अता कर देगा। आप दुनिया की जिस चीज़ के पीछे भागते हैं, मैं कहती हूँ कि दुनिया की हर चीज़ आपके पीछे भागना शुरू हो जाएगी। आपको वो मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो बिन मांगे आपको मिलना शुरू हो जाएगा। वो जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब बटन रेड वाला होता है उसको प्रेस करेंगे तो बेल आइकन का निशान आएगा, बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो मेरी हर वीडियो आप तक पहले पहुंचेगी। और मैं साथ साथ बना रही हूँ सैरी जी। किसी ने मुझे कहा था तुम्हारी कोई औकात नहीं, मैंने कहा जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, ये सब तुम्हारा कर्म है का, वरना मुझ पर तो ऐसी कोई बात नहीं। तो अपनी ज़िंदगी में ना दुआओं को बेशुमार करें, अपने लिए भी दुआ, किसी के लिए अच्छा सोचे और अपने लिए भी फिर अच्छा ही सोचने को मिलता है। दिल इतना रोशन कर दें, इतना कुशादा कर दें कि आपको बिन मांगे मिलना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। थर्ड रमज़ान है और मेरे परौंठा भी तैयार हो गया, ये मेरा अपना है जाती। अच्छा, रात को कल जो बनैन बनाई थी अब सहरी में वो यूज़ करूँगी। रोटियाँ मैंने बना दी हैं और ये है चिकन निहारी, ये अब उठा के लेके जाऊँगी। और चाय मैंने बना दी है और जो उम्मीद है कि मरीज है यानी कि जो बस मेरी तरह आप वो दवाइयाँ शेयर लेंगे फिर जाके नाश्ता कर सहरी करेंगे। सॉरी, चलो करते हैं अब सहरी और सहरी के बाद फिर मिलते हैं। सहरी कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह और आप हम चाय डालने आई है। चाय मज़ेदार और टेस्टी गर्म होगी, इसको उतार के चलाते हैं। और जी यहीं तक थी मेरी सुबह इफ्तार वाली वीडियो। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और पांच वक्त की नमाज़ पढ़ते रहें, अल्लाह पाक को याद करते रहें, वही है जो दिलों के भेद खूब जानता है। दुआ है कि अल्लाह पाक आपको अपने घर का दीदार नसीब फरमाए और किसी के तफैल अल्लाह पाक हमें भी अपने घर का दीदार नसीब फरमाए। रहमतों और बरकतों का मिलना है अल्लाह पाक सगीरा कबीरा सबके गुनाह माफ़ फरमाए। आमीन। किसी के लिए दुआ करें और अच्छे के लिए करें और यकीन है कि अल्लाह पाक आपकी दुआ ज़रूर सुनेगा। अल्लाह हाफिज़। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।